हाई लव यू यू ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल तो आज इस एम सी क्यू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड जो हमारी टारगेट है उसके सेकेंड पार्ट को हम देखते हैं जहाँ पर हमने ट्वेंटी इम्पॉटेंट एम सी क्यूज आपके लिए हैं तो फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हमने ट्वेंटी एम सी क्यू देख लिया है ना आप रेफर कर सकते हैं अपनी प्रीवियस वीडियो सेकेंड पार्ट की शुरुआत हम करते हैं और देखते हैं ट्वेंटी वन टू फोर्टी एम सी क्यू इम्पोर्टेंट फॉर योर सी बी ओ पी ओ जे ओ ओ जो भी आपकी एग्जाम से रिलेटेड है शुरुआत आपके ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ टर्म रिप्रेजेंटिंग मंथ ड्यू टू वेंडर और सप्लायर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट सोल्ड ऑन क्रेडिट देखिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे सोल्ड ऑन क्रेडिट टर्म्स तो जो भी हम आ, कोई भी चीजें जो हैं जो हम सेल आउट करने वाले हैं उसके पैसे जो हमारे पास आने वाले हैं वो किस एसेट के रूप में हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन इज अकाउंट इज ने जो आउटस्टैंडिंग रहते हैं उसे हम रिसीवेबल के नाम जानते तो अकाउंट रिसीवेबल बी द राइट आंसर राइट नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कहते हैं व्हाट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक चार्ज ऑन देयर सरप्लस फंड विथ आरबीआई जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ के आपके रेट हैं चाहे वो बैंक रेट हो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट एस और सी और सी हो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा हालांकि मैंने बहुत बार बताया है फिर भी आप जाने यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द रेट विच कमर्शियल बैंक चार्ज ऑन देयर सरप्लस फंड विथ आर तो जो भी बैंक के पास सरप्लस फंड होती है उसे जब आर को दिया जाता है उस रेट को जिस नाम से हम जानते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट तो यहाँ पे आप ये जानें कि रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे आर है ना आपके अदर बैंक से क्या करती है तो बोरो करती है जस्ट दिस इज दस रिवर्स ऑफ रेपो रेट एंड इन uh, रेपो, रेपो रेट आर बी आई लेंस मनी टू ऑल कमर्शियल बैंक है ना फॉर शॉर्ट टर्म पर्पज़ और जब वापस लेती है आर बी आई अगर आर बी आई को रिक्वायरमेंट है तो अगर आर बी आई लेती है दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट यहाँ पे आपको ये भी जानना पड़ेगा कि एस क्या है या फिर रेपो रेट क्या है तो इसकी अलग से वीडियो जो आपकी वीडियो होगी उसको आप रेफर कीजिएगा एस बट रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे जो एस एल हैं उसके रेट कितने हैं क्योंकि बाई मंथली इसका रिविजन होता है है ना तो एस जो बैंक रेट है वो आज के डेट में 6.75 है रेपो रेट 6.5 है रिवर्स रेपो रेट 3.35 है सी आर आर आपकी फोर पॉइंट फाइव है एस एल आर एटीन परसेंट है तो ऐसे ये मोनिट्री पॉलिसीज़ के रेट हैं और ये हमेशा अपडेट होते रहते हैं तो कीप एन आई ऑन दीज पॉलिसीज़ राइट जो डेफिनेशन है वो वो भी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे हमने सिर्फ रिवर्स रेपो रेट का आपको डेफिनेशन बताया है आने वाले समय में बाकी के हम देखते हैं ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन कहता है डैश इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक नीड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश देखिए दिस दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश और गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज बॉन्ड बिफोर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द कस्टमर्स वैसा अमाउंट जो बैंक खुद के पास रखती है ट्वेंटी फोर बाई सेवन अपने ही ट्रेजरी में जो किसी भी कंडीशन में मार्केट में हम कस्टमर को लेंड नहीं कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एस एल आर उसे हम एस एल आर कहते हैं दिस एस एल आर कैन बी कीप इन द फॉर्म ऑफ एनी सिक्योरिटीज लाइक गोल्ड है ना कैश सिल्वर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसी भी फॉर्म में होगा बैंक इंडिविजुअल बैंक अपने पास रखेगी तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है है ना एक बार फिर से क्वेश्चन पता है कमर्शियल बैंक नीड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश है ना कमर्शियल बैंक को खुद के पास मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि दो ऐसे रिजर्व हैं जो मेंटेन करना होता है वन इज कॉल्ड सी आर आर डेट इज कॉल्ड रिवर्स रेशियो कैश रिजर्व रेशियो एंड सेकंड इज कॉल्ड एस एल आर डेट इज स्टैटो लिक्योरिटी रेशियो तो जब बैंक खुद के पास रिजर्व रखती है इन द फॉर्म ऑफ एनी सिक्योरिटी दैट इज कॉल्ड एस और जब बैंक ये आर के पास डिपॉजिट रखती है इन द फॉर्म ऑफ कैश दैट इज कॉल्ड सी तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कहता है हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आर के जो गवर्नर हैं है ना उनका जो अपॉइंटमेंट है वो हमेशा आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इस बात को ध्यान में रखिएगा है ना फिनांसियल सेक्रेटरी नहीं करते फिनेंशियल सेक्रेटरी तो डिफरेंट पोस्ट है आपका फिनंशियल मिनिस्ट्री नहीं करती है है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है है ना तो फाइनेंस मिनिस्ट्री इज आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बट हमें जो टिक मार्क करना है वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट पे टिक मार्क करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे टिक मार्क करना है राइट ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फिफ्थ हम देखते हैं एफ आई आई फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या होता है ये एफ आई आई तो पहले तो यहाँ पर जो पूछा गया उसका आंसर हम देख लेते हैं तो एफ आई आई का फुल फॉर्म पूछा गया है दैट इज फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ना सेकेंड है इंटरनेशनल थर्ड है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फॉरवर्ड नेक्स्ट है फॉर्मल है तो ऐसा नहीं है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होता है आपके एफ आई आई का फुल फॉर्म वैसा इन्वेस्टमेंट जो आपके कंट्री के बाहर से आपके इंडिया में आता है उसे हम एफ आई आई कहते हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना तो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमें अदर देन हमारी जो जोग्राफिकल सीमाएँ हैं आपकी इंडिया की उससे बाहर से अगर हमारे इंडिया में आपके अलग अलग जो सेक्टर हैं उसमें अगर इन्वेस्टमेंट आती right? है दैट इज कॉल्ड एफआईआई इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखते हैं विच आर द फॉलोइंग इज ए क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो मॉनिटरी पॉलिसी है है ना उसके दो भाग हैं एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल दूसरे को हम कहते हैं क्वान्टिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल तो क्वालिटेटिव और क्वान्टिटिव बैंकों को क्वालिटी बनाए रखने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है है ना और जो आपके पैरामीटर्स हैं उसका जो फ्रेम आउट है उसको को भी बनाए रखने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है तो क्वालिटेटिव में क्या आते हैं वो इम्पोर्टेंट है क्वालिटेटिव में आपके आते हैं मोरल सुशन आते हैं है ना उसके बाद मार्जिन रिक्वायरमेंट आता है उसके बाद आपका क्रेडिट रेसनिंग आता है राइट right, उसके बाद अदर डायरेक्टिव्स आते हैं जो अदर सर्कुलर्स आते हैं और डीसीए डायरेक्ट एक्शन आता है बहुत बार आप देखते होंगे कि आरबीआई ने है ना डायरेक्ट एक्शन के अंतर्गत इस बैंक को इतने की पेनल्टी लगाई है तो दीज ऑल टर्म्स कम्स अंडर क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल हाउ एवर क्वान्टिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में आपके बैंक रेट हों आपके रेपो रेट हों आपके रिवर्स रेपो रेट हों आपके सी आर हों आपके एस एल हों आपके ओ एम मार्केट ऑपरेशन हो तो ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के पार्ट है देखा था उसमें क्रेडिट रेस्टनिंग है जबकि जो हम काउंट कर सकते हैं सीआरआर हम काउंट करते हैं कि आज के डेट में फोर आज के डेट में आपकी फोर पॉइंट फाइव परसेंट है बैंक रेट हम बोलते हैं काउंट करते हैं कि 6.75 पर जो काउंटेबल है वो क्वांटिटेटिव में जाएंगे और जो क्वांटिटेटिव नहीं है क्वालिटेटिव हैं जिसमें हमने नाम बताया मोरल सुशन मार्जिन रिक्वायरमेंट क्रेडिट रेसनिंग क्रेडिट रेसनिंग अदर डायरेक्टिव्स और डायरेक्ट एक्शन ये साले के साले आपके क्वालिटेटिव कंट्रोल के पार्ट हैं तो क्वालिटेटिव में जो हमने पांच बताए हैं उसमें से एक ही ऑप्शन आपको यहां पर दिख रहा है दैट इज क्रेडिट रेसनिंग ऑप्शन नंबर बी व्हिच इज द राइट आंसर नेक्स्ट ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन पर इंडिया द चीट फंड आर गवर्न बाय चीट फंड कौन रेगुलेट करता है तो पहले तो आप ये जान लें कि चीट फंड होता क्या है देखिए चीट फंड को रेगुलेट आपके रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट करती है तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन का आंसर हम जान गए कि स्टेट गवर्नमेंट का रेगुलेशन आपके चीट फंड पे होता है बट चीट फंड इज अ काइंड ऑफ रोटेशन रोटेशन ऑफ सेविंग वे ग्रुप ऑफ द पीपल कम टूगेदर ऑन एंड डिपॉजिट और सेव मनी ऑन प्री एग्रीड वैल्यू और जो भी डिसाइड उन्होंने किया है तो ये चीट फंड का आपका मेन एम होता है आपकी इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट अपना डिसाइड करती है चीट फंड किसे लाइसेंस देना है क्या करना है तो ये है आपके चीट फंड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पर हम चलते हैं डेट इज सी क्या होता है तो ये एक ऑडिट का डिपार्टमेंट है है ना जिसे हम कहते हैं कंपोटोलर ऑडिट जनरल है ना ऑफ इंडिया है ना वित्तीय लेखा अधिकारी कहते भी हैं तो राइट आंसर इज कम्पोटोलर ऑडिट जनरल दैट इज ए नेक्स्ट जो महंगाई हम काउंट uh, करते हैं कि कितनी महंगाई कितना इन्फ्लेशन कितना डिसन चल रहा है वो सीपीआई और डब्लू के इंडेक्स पे करते हैं दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स तो यहाँ पर डब्ल्यू की बात तो पूछी नहीं गई है सी पी पूछा जा रहा है सी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है दट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑप्शन सी इज करेक्ट सेबी सेबी क्या है देखिए सेबी इज अ रेगुलेटर ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट जो मीडियम और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करता है है ना चाहे वो म्यूचुअल फंड देखा जाए या आपकी शेयर मार्केट देखा जाए है ना आपके डेरिवेटिव्स देखा जाए फ्यूचर ऑप्शन जो भी आपके हैं उसको रेगुलेट करने वाली सेबी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट हमने 1988 में किया था और जो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पावरमेंट हमने दिए वो 1992 में हमने दिया था तो ये सेबी है ये जो सेवी है ये एक लीगल इंटिटी है जिसका एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था तो वैसी इंटिटी जो लीगल हो और जिसका एस्टैब्लिशमेंट थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है दैट इज कॉल्ड एस्टैटुटरी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक इकाई आप बना दीजिएगा दैट इज कॉल्ड स्टैटुटरी बॉडी है ना तो वैधानिक हम इसे हिंदी में बोलते हैं वैधानिक इकाई होती है अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करें दैट इज कॉल्ड संवैधानिक इकाई तो सेबी इज एस्टैटुटरी एस्टैटुटरी एंड अस्टैटुटरी ओनली क्लियर मैंने यहाँ पे दोनों ईयर आपको बताए हैं कि 88 एट, एट किस क्यों इम्पोर्टेंट है नाइनटीन क्यों इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 वन एट विच रेट आर बी आई लेंस मनी टू ए पब्लिक सेक्टर बैंक ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस क्योंकि देखिए बार बार आपके इस पार्ट में आपके बैंक रेट रेपो रेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बैंक रेट एंड रेपो रेट वो दो ऐसे रेट हैं जो आर दूसरे कमर्शियल बैंकों को लोन देने के समय उस रेट का यूज करती है बोथ बैंक रेट एंड रेपो रेट आर सेम अंतर सिर्फ इतना है कि द रेट एट विच आरबीआई मनी टू अदर कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस अगर लॉन्ग टर्म पर्पस की बात हो मोर दे तो उसे हम बैंक रेट कहते हैं और फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस अगर नाइन्टी डेज से बिलो की बात हो तो हम रेपो रेट कहते हैं तो यहां पर बोला गया आपसे क्या है लॉन्ग टर्म पर्पस अगर लॉन्ग लगा दिया गया है गोविथ बैंक रेट ओनली क्लियर जब आरबीआई दूसरे कमर्शियल बैंकों को लोन देती है तो जिस रेट पर देती है उसे हम बैंक रेट रेपो रेट दोनों बोलते हैं रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म विच इज एट प्रेजेंट सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट हाउ एवर बैंक रेट इज फॉर लॉन्ग टर्म गिवन फॉर मोर देन नाइनटी डेज पीरियड विच इज एट प्रेजेंट सिक्स पॉइंट सेवन फाइव परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू पे हम चलेंगे वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीपी देखिए पीपीपी के दो फुल फॉर्म है एक तो हम कहते हैं परचेजिंग पावर प्रायोरिटी है और दूसरा एक नया फुल फॉर्म आया है जिसे हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तो जिस तरीके का चॉइस आपके एग्जाम में होगा वो वहाँ पर टिक मार करेंगे बोथ आंसर बोथ फुल फॉर्म इज करेक्ट अगर परचेजिंग पावर प्रायोरिटी की बात पूछी जा रही है तो वहाँ पर पहले ऑप्शन देख लीजिएगा क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑप्शन में है या परचेजिंग पावर प्रायोरिटी ऑप्शन में है ऐसा दोनों एक साथ ऑप्शन में हो ये मुमकिन नहीं है हालांकि मैंने आपको बता दिया कि पीपीपी के फुल फॉर्म परचेजिंग पावर प्रायोरिटी भी होंगे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होंगे लेकिन चूंकि यहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात नहीं पूछी जा रही है इसका मोड अलग है उस कंडीशन में हम आपके परचेजिंग पावर प्रायोरिटी को टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी थर् थर्टी थ्री वट इज द मिनिमम अमाउंट टू ट्रांसफर रिक्वायर फॉर आरटीजीएस ये शायद मैंने अपने पहले पार्ट में बताया था कि आरटीजीएस जिसकी शुरुआत हम दो लाख रुपए से करते हैं और उसकी जो अपर लिमिट है उसकी कोई भी सीमा नहीं है नो लिमिट है राइट तो मिनिमम लिमिट फॉर आर टीजियस इज टू लाख ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर्थ में हम चलते हैं हु इज द सोल अथॉरिटी टू इशू एंड मैनेज करेंसी इन इंडिया मनी मार्केट की रेगुलेटर ही करेंसी से जुड़ा हुआ सारा काम करती है सीधी सी बात मैंने आपको पहले ही बताई है तो करेंसी से जुड़ा हुआ हर काम आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है इधर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करेंसी हो है ना तो ये काम करेंसी से जुड़ा हुआ कौन करेगा तो करेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आंसर सी इज़ करेक्ट है ना जब करेंसी का हम प्रिंटिंग करते हैं तो जिस पैरामीटर के बेस पे हमारी करेंसी की प्रिंटिंग और डिस्काउंड तो कॉल्ड एमआरएस मिनिमम रिजर्व सिस्टम जिसमें 200 करोड़ की लिक्विडिटी होनी चाहिए जिसका बायफर्केशन आपके 115 करोड़ और 85 करोड़ में होता है 115 करोड़ आपकी सिक्योरिटीज और ये क्या होती है इसमें वन फाइव करोड़ में गोल्ड और एट्टी फाइव करोड़ में आपके फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आते हैं है ना इसके बेसिस पे हम करेंसी की प्रिंटिंग करते हैं जिसमें आपके नोट प्रिंटिंग होते हैं और कॉइंस प्रिंटिंग होते हैं है ना बी आर बी एन एम पी एर चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बी आर बी एन एम पी एल एस पी एम सी आई एल दो जुड़े हुए आपके आधिकारिक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नोट प्रिंटिंग और करेंसी प्रिंटिंग की बात करते हैं आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर प्रिंटिंग कौन से ऐसे फोर प्लेसेस हैं आपके इंडिया में जहाँ पर नोट प्रिंटिंग होती है और कौन से ऐसे फोर प्लेसेस हैं जहाँ पर कॉइन्स की प्रिंटिंग होती है चाहे वो नोएडा हो चाहे वो हैदराबाद हो चाहे वो बंगाल हो चाहे वो मुंबई हो इसकी बात हम आने वाले वीडियो में करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्टी में पूछा जा रहा है वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी और इन सी आर स्टैंड फॉर वर्ड सी स्टैंड फॉर कैश रिजर्व रेशियो जो आज के रेट में फोर है

को नीचे में देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे फोर आपके डिफरेंट कोड लिखे होते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो सिक्स डिजिट होता है वो आपके चेक नंबर होता है फॉलोड बाय नाइन डिजिट दैट इज कॉल्ड एमआईसीआर है ना दैट इज़ मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन देन आफ्टर अगेन सिक्स डिजिट दैट इज कॉल्ड सैन नंबर है ना शॉर्ट अकाउंट नंबर फॉलोड बाई टू डिजिट जिसको हम कहते हैं चेक डिजिट करंट अकाउंट है उसके अलग चेक डिजिट होंगे सेविंग अकाउंट है तो अलग चेक डिजिट होगा डिमांड ड्राफ्ट अलग होगा कैश क्रेडिट है तो अलग होगा राइट right. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एम आई सी आर कोड रिक्वायर्ड और यूज फॉर क्यों इसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं तो एम आई सी आर इज बेसिकली यूज टू क्लियरिंग ऑफ चेक्स जो भी आपके सी टी एस चेक है उसकी जो क्लियरिंग होती है फ्रॉम वन बैंक टू नदर बैंक वहां पे एम आई सी आर कोड की जरूरत पड़ती है तो क्लियरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियर ऑफ चेक क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन पर पहुंच गए हैं क्या कहा जा रहा है कहा जा रहा है लिक्विड रेशियो द अमाउंट ऑफ लिक्विड रेसिज सच एज कैश प्रीसियस मेटल एंड अदर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर केप्ड विथ तो मैंने शायद इसको इस वीडियो की शुरुआत में ही एस की बात बताई थी कि एस इंडिविजुअल बैंक अपने पास डिपॉजिट रखती है किसी भी कंडीशन में वो मार्केट में कस्टमर को लोन के रूप में वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए इस काइंड ऑफ रिजर्व मनी तो इंडिविजुअल बैंक को ही अपने पास किसी भी फॉर्म में अपने सिक्योरिटी को रखना पड़ता है ऑफ 18 परसेंट आज के डेट में जो एस की परसेंटेज है इज 18 परसेंट एटीन परसेंट ऑफ टोटल जो जो भी उसकी अमाउंट होगी बैंक की उसका सेव रखना पड़ेगा 24 फोर बाई सेवन अपनी ट्रेजरी में राइट क्वेश्चन नंबर 38 पे हम चलते हैं एज पर बैंकिंग एम्बोर्समेंट स्कीम एनी पर्सन कैन फाइल ए कंप्लेन बिफोर बैंकिंग एम्बोर्समेंट इफिस इफ द दटिसफाइड रिप्लाई इज नॉट रिसीव फ्रॉम बैंक विद इन पीरियड ऑफ देखिए इफ देर इज़ एनी डिस्प्यूट बिटवीन बैंक एंड कस्टमर कस्टमर के अप्रोच टू बैंकिंग एम्बोर्समेंट नॉट डायरेक्टली आफ्टर गिविंग वन मंथ नोटिस टू बैंक है न अगर कुछ ऐसा काम है जो पेंडिंग रह गया नहीं हो पाया तो पहले बैंक को इंटीमेट आप करें कि ये काम हमें होना है ये पैसा हमें नहीं मिल पाया है जो भी डिस्प्यूट है तो पहले बैंक को एक महीने का आप एप्लीकेशन दे दें उनसे रिसीव नहीं ले दें आफ्टर वन मंथ ओनली यू कैन सपोज टू नॉक द डोर ऑफ बैंकिंग एम्बोर्समेंट क्लियर जहां पे कोई भी फी हमें नहीं लगता है बट बैंकिंग एम्बोर्समेंट जाने का रास्ता एक महीने के बाद ही शुरू होगा इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, में किया था और फंक्शनल वो 2006 से हो गई थी क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो दैट इज मनी लेंट फॉर मोर देन वन डे बट लेस द मनी कॉल्ड देखिए जब आप मनी मार्केट पढ़ेंगे तो उसके जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कॉल मनी नोटिस मनी और टर्म मनी आपको पढ़ना पड़ेगा कॉल मनी इज फॉर ओवर नाइट वन डे पीरियड फॉर मोर देन वन डे अप टू फिफ्टीन डेज इज नोटिस मनी एंड अब फिफ्टीन डेज इज़ कॉल्ड टर्म मनी तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें पूछा जा रहा है मोर देन वन डे एंड अप टू फिफ्टीन डेज द आंसर विल बी नोटिस मनी अगर वन डे होता तो कॉल मनी होता अगर मोर देन फिफ्टीन डेज होता तो टर्म मनी होता तो ये तीनों मनी इंपॉर्टेंट हैं कॉल मनी उसके ऊपर नोटिस मनी और देन बड़ा टर्म मनी वीक मनी कोई मनी नहीं होता तो ये आपको डाइल्यूट करने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं लास्ट क्वेश्चन चलते हैं आज के वीडियो में स्मार्ट मनी ये स्मार्ट मनी हमने अपने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था जहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट ऑफ टू फाइव जीरो जीरो था कि वैसे मनी जिसका यूटिलाइजेशन हम अपने कार्ड के थ्रू करते हैं उसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं कार्ड के थ्रू तो इंटरनेट बैंकिंग इज नॉट बेस्ड ऑन कार्ड मोबाइल ऐप्स इज नॉट बेस्ड ऑन कार्ड डिमांड ड्राफ्ट नॉट बेस्ड ऑन कार्ड सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्रेडिट कार्ड होगा अगर क्रेडिट कार्ड नहीं होकर डेबिट कार्ड भी होता दैट बी राइट आंसर तो स्मार्ट मनी का मतलब है जो ट्रांजेक्शन हम थ्रू कार्ड कर रहे हैं चाहे वो डेबिट कार्ड हो चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो है ना डेबिट कार्ड के कोई भी अदर आपके टाइप्स ऑफ कार्ड हो चाहे वो वीजा कार्ड हो मास्टर कार्ड हो रुपये कार्ड हो में, है ना अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड हो तो सारे के सारे स्मार्ट मनी के पार्ट हैं तो इस पार्ट में इतनी ही बात हम रखते हैं नेक्स्ट पार्ट इसकी थर्ड पार्ट हम देखेंगे किसी और ट्वेंटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल डू सब्सक्राइब